भैया का सेल्फी हो रहा है। कैसे बढ़िया है भाई? कौन सा देवर है आपकी नजर में जो भौजी का ढोड़ी चाटता है? हेलो गाइस, नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। अभी इस समय हम मौजूद हैं गोरखपुर, लोग जा रहे हैं अयोध्या और हमारे साथ जुड़ चुके हैं रोहित के ब्लॉग। अब वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि रात का समय है, देख रहे हैं आप लोग। अभी हम रास्ते में खड़े हैं मेन रोड पे, फोर लेंथ पे। अभी हम लोगों के यहाँ से 250 किलोमीटर, कितना किलोमीटर होगा? तो 250 से लगभग पड़ जाएगा 180 किलोमीटर। हाँ, 180 मान के लिए 200 किलोमीटर अभी हम लोगों को जाना है इस फटफटिया से। बाइक पंचर हो चुकी है, तो बीच रास्ते में वहाँ से पंचर हुआ है, पंचर हो गया है। और यहाँ पर ठीक सामने आप पर एक गाड़ी है, एक्सीडेंट हुआ है, जस्ट वहीं पर उसी के सामने ये गाड़ी भी पंचर हुआ है। वो जो दिख रही ना, ये वो एक लीलगाड़ी है, फोर व्हीलर गाड़ी से टक्कर हुआ है और उसका ऑटोमेटिक मतलब डेथ हो गया है। और वहाँ पर वो जो फोर व्हीलर आप लोगों को सामने दिखाई दे रहा है, वो गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो गया है और करते करते मतलब थोड़ा बहुत बच गया है, उसमें लोग कोई घायल नहीं हुआ। और जस्ट यहीं पर हमारी बाइक भी हमारा मतलब पंचर हुआ है, ऑटोमेटिक एक बाइक यहीं पर पंचर हुआ है। हम लोग जा रहे हैं बाइक पंचर बनवाएंगे। सब हम लोग इसी दुकान पे आए हैं और दुकान पास ही में था तो कहिए दुकान मिल गया है। ज़्यादा दूर चलना मतलब आधा किलोमीटर चलना पड़ा है क्योंकि बाइक अब बन रही है, भैया बना रहे हैं। ये उनका दुकान है, देख पा रहे होंगे। हम लोग अयोध्या में एंट्री कर चुके हैं, रिकॉर्डिंग स्टूडियो है वो देख पा रहे होंगे, अयोध्या में पड़ता है। तो देखिए हम लोग चंदा बाबू की स्टूडियो पा चुके हैं और यहाँ पर पूजा हवन चल रहा है और ये उनके स्टूडियो है, आप लोग देख पा रहे होंगे। और इस हम लोग को दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये उनका लैपटॉप है, कैमरा है और ये उनका ये चेयर है। और इनको क्या क्या अवार्ड मिला है वो भी दिखा रहे हैं। देखिए इनको अवार्ड मिला है, 2 सिल्वर प्ले बटन मिला है, इनको जनपद मंडल संस्कृत कार्यक्रम से प्रतियोगिता मिला है, इतने सारे अवार्ड मिले हैं। आप लोग एक और चीज दिखा रहे हैं, वो जो आप लोग देख पा रहे होंगे वो माइक है। अभी आ चुके हैं और देखिए यहाँ पर बहुत से लोग सेल्फी ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए भैया का सेल्फी हो रहा है और बहुत से मीडिया वाले आए हैं। देखिए यहाँ पर चंदा भाभी की स्टूडियो में देखिए आ चुके हैं आरिफ भैया, मालती चौहान और KGF2। ऐसा होता था कि मैं मालती भाभी और विष्णु जी के यहाँ जाती थी। और आरिफ भैया कैसे? बढ़िया है भाई, सब अभी जैसे आपके सामने। और उसमें बहुत से लोग बोल रहे हैं कि 2 करोड़ में सारस को बेच दिए, क्या नहीं सब झूठी बातें हैं, अफवाह फैला रहे हैं लोग। और ये कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा भैया, अलग अलग राज्यों से देख रहे हैं, कैसा लग रहा है? कष्ट यही बात की है कि दूर दूर के राज्य से लोग आए हैं, मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, मुझे वो कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। इस समय हमारी पूरी टीम मौजूद है भगवान रामचंद्र की नगरी अयोध्या में और यहाँ पर ये वजह ये है, लोग जो बैठे हुए हैं आज यहाँ पर चंदा रिकॉर्डिंग स्टूडियो का ओपनिंग था और बहुत सारे यहाँ पर गेस्ट आए हुए थे, तमाम ऐसे यूट्यूबर आए थे और पत्रकार भाई तमाम लोग आए थे और निषाद पार्टी के कोई नेता भी यहाँ पर आए थे, तमाम लोग थे। कहीं ना कहीं ये प्रोग्राम सफल रहा।